ओम शांति। आज के साकार मधुर महावाक्य हैं 18 दिसंबर 2021 के। आज दिल तख्त नशीन बनाने वाले दिलाराम बाबा बोले, मीठे बच्चे श्रीमत कहती हैं पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। मुरली का प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता है, थोड़ी भी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो सर्विस वृद्धि को पा नहीं सकेंगी। बच्चे यह भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया है। देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता है, इसलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि देही अभिमानी भव। आज मुरली में गीत बजा, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ फूल भी हैं और कांटे भी हैं। ओम शांति। एक है सदैव परम धाम में रहने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाबा, उस शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है। अभी तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा विष्णुपुरे का मालिक बना रहे हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, इन दोनों का कंबाइंड रूप है विष्णु। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है किसी को भी समझाने के लिए। बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा है निराकार, फिर हमको कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया है। बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। तुमको यह सर्टेन भी है, अर्थात हम सभी बच्चों को यह निश्चय है। फिर भूल जाते हो कि हम स्टूडेंट हैं, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, भारत को ही विष्णुपुरी बना रहे हैं। अगर यह बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह त्रिमूर्ति का चित्र कितना नामी ग्रामी है। त्रिमूर्ति में वो लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, परंतु शिव को भूल गए हैं। कितनी यह भारी भूल है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं और आए हुए हैं। इनके ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर प्रवेश करते हैं। बाबा आते ही हैं भारत में और भारत को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है कि हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग में ही आते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो राजाई के लिए, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यह तो तुम बच्चों को मालूम है कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म था, उस समय और कोई धर्म नहीं था। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए और देवी गुणों की धारणा भी करनी है। अगर बाबा देखते हैं बच्चे देवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो कहेंगे ना यह कोई कम बखत है, पढ़ते नहीं है, मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते हैं। बाबा कितना सहज समझाते हैं। तुम जानते हो कि बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ ही देवी गुण धारण करने हैं। सतयुग में चलकर तो नहीं करेंगे ना। जो धारणा करते और कराते हैं उनको खुशी भी बहुत रहती है। बाबा है ही ऊंचे ते ऊंच मूल वतन में रहने वाला। सूक्ष्म वतन वासी को देवता कहा जाता है और यहाँ है मनुष्य। परमात्मा है सभी आत्माओं का बाप अथवा स्वर्ग का रचयिता। यह ज्ञान भी अभी तुमको मिला है। तुम जानते हो कि हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, बाबा द्वारा हम भी पावन बन रहे हैं। पहले पहले भारत में गॉड गॉडेज का राज्य था, उनको भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण का राज्य कहा जाता है। अब वह कहाँ गए? बाबा पूछते, अब वह कहाँ गए? उन्होंको ऐसा किसने बनाया? यह न कोई बता सकेंगे, न यह बातें किसी को ख्याल में ही आएंगी। तुम जानते हो इस साकार सृष्टि में ही उन्होंका राज्य था। अभी भी वह भिन्न नाम रूप से यहाँ है। यह सब बातें जानने से बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाकर ऐसा बना रहे हैं। नंबर वन हीरो हीरोइन यह है। सूक्ष्म वतन में भी तुम इनको देखते हो, इन्हों को भी सर्टेन है कि यह बन रहे हैं।
नॉलेजफुल शिव बाबा श्री श्री इन्हों को पढ़ाकर ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। तुम इनके बच्चे भी गॉड गॉडेश बनेंगे। गॉड द्वारा तुम यह गॉड गॉडेश बन रहे हो, प्रजा भी बन रहे हो, परंतु इनको गॉड गॉडेश नहीं कह सकते, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। फिर भी मुख्य लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेश कह देते हैं। उन्होंने सबसे ऊंच पुरुषार्थ कर ये पद पाया है। सभी को तो भगवान भगवती नहीं कहेंगे ना, नंबर वन की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, सोला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और कोई धर्म वालों की यह महिमा नहीं है। कोई ऐसे भी नहीं कह सकते, यह तो बना बनाया ड्रामा है। पहले है ही देवी देवता घराना, फिर दूसरे धर्म वाले आते हैं, बच्चों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। जिन्हों का पार्ट है वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें कोई का प्रश्न नहीं उठ सकता। अब मांगते भी हैं हमको शांति मिले, स्वर्ग को तो वह जानते ही नहीं, तो बाबा उन्हों की आशा पूर्ण कर देते हैं। और भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। फॉरेन वाले तो शांति धाम को स्वर्ग समझते हैं, समझते हैं गॉड फादर वहाँ रहते हैं। तुम जानते हो हेवन अलग है, शांति धाम अलग है। तुम ही हेवन में आते हो, पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम, फिर शांति धाम में जाना है। यह खेल बना हुआ है। सब आत्माएं सतयुग में आए, यह हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों का सृष्टि चक्र है। पहले सूर्यवंशी, फिर दूसरे धर्म आते हैं। इस ड्रामा में फर्क नहीं पड़ सकता, वही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। परंतु कैसे रिपीट होती है यह आकर जानना चाहिए। सतयुग में तुम्हारा राज्य था, अब फिर सतयुग में जाने के लिए तुम्हारा कल्प पहले वाला पुरुषार्थ चल रहा है। तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन होता है, कैसे होता है, कैसे वृद्धि को पाते हैं, यह जाड़ में साफ दिखाया हुआ है कि नए नए जो आते हैं उन्हों की कैसे टाल टालियां निकलती हैं, उनके कितने पत्ते होंगे, बहुत थोड़े। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। पहले है देवी देवता धर्म, फिर और बिरादरियां निकलती हैं। अब अंत में झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता है। मनुष्यों को इस सृष्टि रूपी झाड़ का पता ही नहीं। तुम जानते हो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस झाड़ की आयु भी एक्यूरेट है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का नाटक है। यहाँ हम आते हैं पार्ट बजाने। यह ज्ञान बाबा ही समझाते हैं। यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, उसमें एक सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस ज्ञान की प्रारब्ध भी एक्यूरेट आधा कल्प चलती हैं। जिसने जो पार्ट बजाया है वह बजाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की हो गई है, औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है, तब ही तुम बेहद विश्व के मालिक बनते हो। निराकारी दुनिया में है निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं सब बच्चे। सूक्ष्म वतन का पार्ट तो बहुत थोड़े समय का है। अब इस साकारी दुनिया में सबसे नंबर वन सुप्रीम कौन, बाबा पूछते हैं। इस साकारी सृष्टि में सबसे ऊंचे ते ऊंच नंबर वन वा कहे हीरो हीरोइन पार्टधारी कौन, लक्ष्मी नारायण। सुप्रीम बाप ही सुप्रीम धर्म स्थापन करते हैं, और कोई भी धर्म को तुम सुप्रीम नहीं कह सकते हो। अभी तो सभी तमो प्रधान है, एक बाप ही है जो एवर प्योर है, एवर सुप्रीम है। बाकी सबको सतो रजो तमो में आना है। अब तो तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना ही है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होने वाला है। जब नया मकान बनता है,
जब नया मकान बनता है तो पुराना खत्म करना ही पड़ता है। तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो। अब पुरानी दुनिया से दिल हटानी है। गीत है ना, जाग सजनिया जाग। बाप तुमको अर्थ समझाते हैं कि बच्चे अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो अब तुम्हारी बुद्धि में स्मृति आ गई है कि हमारा इस ड्रामा में अविनाशी पार्ट है। हमको फिर भी आना है, आदि से अंत तक तुम्हारा ही पार्ट है। आधा कल्प के बाद और टालटालियां भी निकलती ही रहती हैं। जब टालटालियां निकलना बंद हो जाएगा, तब समझना कि वहां से आना बंद है। फिर यहां से जाना शुरू हो जाएगा। फिर यह सब इतनी आत्माएं कहाँ जाएंगी? बाबा पूछते हैं कि फिर सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? यह तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। एक बिरादरी की फिर कितनी वृद्धि होती है, कितना बड़ा झाड़ होता है। अभी सभी तमो प्रधान मनुष्यों का नाटक है अथवा कांटों का जंगल है। यह मनुष्य सृष्टि झाड़ एकदम विनाश नहीं हो जाता है। भल कितने भी तूफान आए, परंतु एकदम विनाश नहीं होता, परिवर्तन जरूर होता है। अब तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। यह बात भी जब धंधे धोरी में जाते हैं तो भूल जाते हैं। जिनको धारणा होती है, वह सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि कैसे हम सर्विस करें अथवा कांटों को फूल बनाएं। बाप शिव बाबा सबसे बड़ा धर्मात्मा है, जो साधुओं का भी उद्धार करने वाला है। बाबा जब तक साकार में न आए तो मनुष्यों का उद्धार कैसे हो? बाकी प्रेरणा से थोड़े ही होगा। बाबा आकर सारा ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं कि ऐसी ऐसी सर्विस करेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। औरों को भी बताते जाओ। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बन जाते हैं, तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा कहते हैं, अगर आप समान नहीं बनाते तो गोया सर्विसेबल नहीं बने हो। सर्विस किसी की छिपी नहीं रह सकती, तुम्हारा भी अंत में प्रभाव निकलेगा। अभी तो बच्चों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। कुछ परीक्षाएं आती हैं तो बच्चे मुरझा जाते हैं। तुमको भी फील होता होगा कि आज हमारी अवस्था याद में टिकती नहीं है। दशाएं तो बदलती रहती है ना। बृहस्पति की दशा उतरती है तो एकदम नीचे गिरा देती है। बीमारी भी कर्म भोग है जो सर्विस नहीं कर सके। अभूल तो अंत में ही बनेंगे, अर्थात सब विकर्मों का खाता समाप्त हो जाए और एकदम आत्मा क्लीन अभूल बन जाए। बाबा कहते वह तो अंत में होगा, परंतु सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। अभी अगर फेल हुए तो कल्प कल्पांतर तुम्हारा ऐसा पार्ट हो जाएगा। बाबा भी साक्षी होकर देख रहे हैं, और अपने को भी देखना है कि हम क्या सर्विस करते हैं। कभी कभी माया बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। श्रीमत पर न चलने के कारण माया मार मार कर मुर्दा बना देती है, सर्विस भी नहीं कर पाते। नहीं तो देख भी रहे हो कि माताएं कितनी सर्विस करती हैं। कोई कोई तो देह अभिमान में आकर कहते हैं, हमने इनको ज्ञान दिया। यह भूल जाते हैं कि बाबा ने इनको टच किया है बच्चों का नाम बाला करने के लिए। देह अभिमान होने के कारण जो सर्विस होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है। फिर कहते हैं बाबा भूल हो गई। बाबा ने समझाया है, बड़े आदमियों को बहुत युक्ति से समझाना है, उन्हों से ही आवाज निकलेगा और वाह वाह होंगी। परंतु बच्चों को अर्जुन योग की पावर भरनी है। अब बाबा आकर पुरुषार्थ करवाते हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। देखो सब बच्चे बाबा को बुलाते हैं, वह बाप भी बच्चों के दिल पर चढ़ा हुआ है।
बाप ने सर्विस कर बच्चों को कितना गुल गुल बना दिया है। सर्विस करना तो फर्ज है। मैगजीन में लिख सकते हो फलाना मरा नथिंग न्यू। इस ड्रामा के रास को ब्राह्मण समझ सकते हैं, शूद्र तो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। उनको तो संशय आता रहेगा। मैगजीन से भी तुम समझा सकते हो। वह लेंगे पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फेंक देंगे। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे। फिर जरा भी धारणा नहीं कर पाते हैं तो दिल भी नहीं होंगी कि ऐसे को यह मंत्र देवे। इसको कहा जाता है महामंत्र मन मना भव। अच्छा, अगर खुद नहीं याद करते तो दूसरों का तो कल्याण करो। घर घर में यह पैगाम दो कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो, पतित पावन मैं ही हूँ। सर्विस के लिए माथा फिरना चाहिए, अर्थात बुद्धि में सर्विस के लिए मनन चिंतन चलना चाहिए कि कैसे सभी का कल्याण करें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, अपनी बुद्धि हद से निकाल, बेहद में रखनी है। दूसरों को भी बेहद में लाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरा, सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं यह नशा रखना है। आज बाबा ने वरदान दिया, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कार को भस्म करने वाले तपस्वी मूरत भव। स्पष्टीकरण है, जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो, अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्म इंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। आज का स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति।